हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एनमी किचन। आज हम रागी के बैटर से इडली एंड डोसा दोनों बनाने की रेसिपी देखेंगे, यानी एक ही बैटर से दोनों चीज़ें। और इडली हम बनाएंगे बिना इडली कुकर के। तो चलिए पहले हम इडली की रेसिपी देखते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स ये रही बैटर की। पहले मैंने आधा कप जो है होल रागी ले लिया। अब मैं इसमें 1/4 कप जो है उड़द की दाल ले ली मैंने, और 1/4 कप इडली राइस है, आप कोई भी नॉर्मल राइस भी ले सकते हैं। और 2 टीस्पून साबुदाना ले लिया और 1/2 टीस्पून मेथी दाना। इन्हें अच्छे से वॉश करके हमने 3 से 4 घंटे तक सोक कर लेना है। फिर इसका पानी निकाल के इसे अच्छे से हमें पीस लेना है, एकदम स्मूथ बैटर के जैसा रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से स्मूथ पीस लिया है। अब इसे हमने एक बड़े से बर्तन में डाल के ओवन एट फर्मेंट करने रखना है, या कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे इसे फर्मेंट होने। देखिए ये मैंने दूसरे दिन चेक किया, अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया 1/2 टीस्पून। अब हम इसे जो है स्टील के टी कप्स हैं मेरे पास, आप कोई भी बोल ले सकते हैं, उसे ग्रीस करके इसे डाल दें बैटर को, और 10 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेना है। मैंने इस तरह के पैन में जो है स्टीम किया। जब तक ये स्टीम हो रहा है हम इसी बैटर से जो है डोसा बनाने का विधि देख लेते हैं। इसे कंसिस्टेंसी लाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसी बैटर का जो है इस तरह से डोसा बना लें। देखिए डोसा भी बन सकता है इसी बैटर से। इसे अभी पलट लेंगे एंड ये हमारा डोसा बन के रेडी है। तब तक इडली भी चेक कर लेते हैं। 10 मिनट में देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है ये। बस साइड से जो है इसे किनारों से लूज़ कर लेना है एंड देखिए कितनी अच्छी तरह से ये निकल चुका है। बहुत ही सॉफ्ट है और फ्लफ़ी बने हैं और आसानी से निकल भी रहे हैं। बिना इडली कुकर के भी आप इस तरह से बना सकते हैं इडली। ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। And thank you so much for watching the video.